इंदौर से है, जहां पर हाईकोर्ट में पूर्व राज्य मंत्री सीएम पावरी ने एक याचिका दायर कर प्रदेश सरकार की नियुक्तियों को चुनौती देते हुए कमलनाथ सरकार, आपको बता दें पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने अल्पमत में होने के बावजूद संवैधानिक पदों के लगातार तबादले और आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति की। हाईकोर्ट से ये मांग की गई है कि राज्य सरकार 15 तारीख के बाद की नियुक्तियों को खारिज करने की मांग को स्टे ऑर्डर दिया जाए। जब तक सरकार फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल ना कर ले तब तक कोई नए पद पर नियुक्ति ना की जाए। उन सारे अपॉइंटमेंट्स और सारे ऑर्डर्स को हाईकोर्ट क्वेश करें, क्योंकि वो सारे ऑर्डर्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है। साथ में हमने हाईकोर्ट से ऐसी प्रेयर करी है कि हाईकोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा स्टे ऑर्डर करे कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित नहीं कर देती और भी किसी नई पोस्ट पे अपॉइंटमेंट ना करे।